सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। मॉडर्न दौर के अंदर हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो तीन डायमेंशंस थे आपकी लैंड सी एंड द एयर, ये तीन डायमेंशंस थे। तो मॉडर्न दौर में हम कहते हैं कि स्पेस इज द फोर्थ डायमेंशन, स्पेस एंड यस स्पेस अपर स्पेस, यस अपर स्पेस खला जो है खला खला यस, और फिफ्थ डायमेंशन इज योर साइबर स्पेस, साइबर स्पेस इज द फिफ्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन ठीक है, फिफ्थ डायमेंशन यस वी नो के ये तो मॉडर्न कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ जिनको हमारे ऊपर एडवांटेज है ठीक ओके हमारे जैसे कंट्री के अंदर यस लैंड को सिक्योर करने के लिए हमारे बहुत एस्टेब्लिश चीज़ें हैं और खासकर अपनी लैंड को, हाँ अपनी लैंड अपनी लैंड को और सी को डिफेंड करने के लिए भी हमारे पास जो है वो अच्छे खासे मेजर्स हैं, एयर को डिफेंड करने के लिए सर मजीद मौजूद हैं। अब बात आ जाती है आपकी जो है वो जो मॉडर्न दौर के जो डायमेंशंस हैं स्पेस एंड द साइबर स्पेस, अपर स्पेस एंड द साइबर स्पेस। अपर स्पेस का हाल ये है कि आपको पता है कि पिछले 30 सालों से ऐसे भी ज़्यादा अरसे से हम कोई काबिल ज़िक्र एसेट जो है वो क्रिएट नहीं कर सके अपर स्पेस का, कोई सैटेलाइट हमारी अपनी नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंटल भेजी हैं लेकिन उनको हम उनको मैं काबिल ज़िक्र एसेट नहीं कहता जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो या जिससे दुश्मन को कोई खतरा महसूस हो, खतरा महसूस हो। एक चीज ये हमारे डिस्पोजल पे कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई जासूसी सयारा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन की अपनी सैटेलाइट नहीं है, हमने लीज की हुई है किसी से, काबिले जिक्र इसे आप कह लें काबिले जिक्र कुछ एक्सपेरिमेंटल। इसमें इंडिया को एज हासिल है, इसको इसमें इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है मैं समझता हूं, जो खला में उनके जासूसी से। आपको पता है कि कुछ अरसा पहले इंडिया की जो अपर स्पेस जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से उन्होंने इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के रॉकेट्स हैं वो अपर स्पेस में भेजे, नॉट पाकिस्तान जो है वो अपने सेटेलाइट्स नहीं भेज सकता, वो दूसरों के सेटेलाइट्स भेज रहे हैं। तो आपको जो है वो एक क्लियर डिसएडवांटेज हो गया जब अपर स्पेस आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली चीज़ कि आपके जो है वो अपर स्पेस के कोई काबिल ज़िक्र एसेट्स नहीं हैं, दूसरी चीज़ अगर अपर स्पेस से आपके ऊपर कुछ अटैक्स होते हैं तो उसके डिफेंस के लिए आपके पास कोई काबिल ज़िक्र जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ये दो अलग अलग डायमेंशन हैं अपर स्पेस के हवाले से। अटैक्स जो हैं किस किस्म के हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो है वो सर्विलेंस देखे ना, अभी अगर सर्विलेंस, हाँ सर्विलेंस जैसे अमरीकी सैटेलाइट्स, जैसे अमरीकी एनएसए करता रहे, एनएसए अलग है, एनएसए साइबर स्पेस फोकस्ड है, फोकस्ड है उनका, बाकी जाहिर है कि बहुत बड़े स्पेस जो है वो अमेरिकन सीआईए या दूसरे ठीक है, तो नासा एक्चुअली नासा सीआईए का अलग जो वो ऑब्जेक्टिव है, एनएसए का अलग ऑब्जेक्टिव है, नासा का अलग ऑब्जेक्टिव है, तो इंडिया इसमें काफ़ी आगे है, इंडिया इसमें काफ़ी आगे है। अच्छा अब देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी पीरियडिकली ऐसा होता है कि आपने खबरें सुनी होगी कि इंडिया की तरफ से जो है वो ड्रोन आया, सर्विलेंस ड्रोन आया, और पाकिस्तान में सरगोधा से जो है वो जहाज हमारे F-16 जो उड़ के गए और उन्होंने शेखपुरा के नज़दीक जो है उसको मार गिराया और फिर हम जो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमने उनकी जो स्पाइंग एक्टिविटीज़ है उनको नाकाम बना दिया। व्हाट अबाउट के वो सारी सर्विलेंस जो है वो अपर स्पेस से अगर कर रहे हैं, जो स्पेस से कर रहे हैं अपर स्पेस वहां तक, तो हमारे अपर स्पेस पे तो मिसाइल नहीं जा सकते। ना सिर्फ ये कि मिसाइल नहीं जा सकता बल्कि आपको पता भी नहीं है वो क्या क्या कर रहे हैं। इसका इट मीन्स के अगर आपके एनिमी को या आपके अपोनेंट को अपर स्पेस का एडवांटेज हासिल है, अगेन वो जो मैंने पहले कहा कि जो अपोनेंट का एडवांटेज है वो आपका डिसएडवांटेज बन जाता है। लेकिन क्या हमने चाइनीज या दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कोई ऐसे मुआहदे नहीं किए हुए कि जो कि अपर स्पेस से हमें इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ करते हो? मिसाल तौर पर चाइनीज सैटेलाइट्स, उनकी भी स्पाई सैटेलाइट्स हैं, तो उनके ऊपर हम डिपेंड तो करते हैं काफ़ी हद तक। देखिए डिपेंडेंस से जो है वो सिक्योरिटी नहीं आती, ये एक अलग आर्गुमेंट है, इस पर हम बाद में कभी जब बात करेंगे। बहरहाल हमारा है ये अरेंजमेंट तो है, वो किस हद तक इफेक्टिव है वो एक बात की बात है। देखिए हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें शेयर करते हैं समटाइम्स। ये हमने बड़ी आम बात की कि जो खला के अंदर पाकिस्तान का कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं है कि जिससे हम अपने दिफा को मुद्दे हैं। कमांडर रिटायर्ड सितार अलवी, एयर कमांडर साहब आपने सुना, आप डॉक्टर यूसुफ जो वक्फे से पहले कह रहे थे कि स्पेस जो है अपर स्पेस खला वहाँ पर हमारा अपना कोई सेटेलाइट नहीं है, अपने दिफा के हवाले से ऐसा कोई मुस्तंद सा निज़ाम नहीं है, जबकि इंडिया इस हवाले से बहुत आगे है। तो फिर ऐसे में जब हम
अपने तैयारियों की बात करते हैं दफा की, तो हम किस हद तक हकीकत पसंदी का मुजाहरा कर रहे हो? असल में मेहति साहब ये यूँ देखें कि एक मैं मिसाल दूँ, एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आजकल तकरीबन हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में GPS इस्तेमाल होता है, जिस हम पहले बात कर रहे थे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नाउ दिस इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी काइंड ऑफ थिंग ऑब्टेन्ड थ्रू द आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके नेविगेशन में, बिल्कुल हर जगह। आप सिर्फ ये देख लें कि जिन सेटेलाइट से या जिन मुल्कों से हम ये GPS की फैसिलिटी इस्तेमाल लेके कर रहे हैं, अगर वो इसको बंद कर दें, आपके बहुत सारे सिस्टम जो नॉर्मल रूटीन है, इंक्लूडिंग डिफेंस सिस्टम्स जहाँ ये इस्तेमाल होता है, वो सब बंद हो जाएंगे और आप बैठे तालियाँ बजा रहे होंगे। सिंपल एज दैट। आई मीन व्हाट वी नीड स्पेस में इज फार मोर देन दिस। जो डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे, इंडियंस आर सर्वेलिंग यू राउंड द क्लॉक, दे आर सीइंग एवरीथिंग, दे आर इन अ पोजिशन टू डू दैट, और हम नहीं कर सकते। वो एक ज़माने में होता था जब रिकॉग्निशंस के लिए जहाज इस्तेमाल किया करते, सब कुछ पार्टी बंदे भेजते दुश्मन के एरिया में जाते थे। हाँ ठीक है ना, अब तो वो ऊपर स्पेस से आके हर कुछ नजर आ रहा है, उन्हें रेकी पार्टी की जरूरत ही नहीं, पलटन भेजते ही नहीं है, वो नो मैन्स लैंड का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। बिल्कुल। अच्छा, अब आई एम श्योर के, लेकिन ये GPS सिस्टम की जो आपने बात की, इसके लिए अगर हम भारत की बात करें तो उनके अपनी सैटेलाइट होते हुए उनके अपने सिस्टम होंगे रिलायबल, वो तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल, दे डोंट। बिल्कुल सही है, दे आर वे अहेड ऑफ अस, वे अहेड ऑफ अस इन दिस रिस्पेक्ट। तो टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा अपनी वॉरफेयर में डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल पावर्स के। एब्सोल्युटली, एंड दे विल रेगुलेट, और वो रूल्स ऑफ द गेम वो तय करेंगे, रूल्स ऑफ गेम। बल्कि आप ये देख लें कि जब जंग होगी, ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। दैट इज हाउ यू, तो आप जो अमेरिका से हम F-16 लेते रहे हैं और जदीद हथियार लेते रहे हैं, मिसाइल्स लेते रहे हैं, नेवी के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लेते रहे हैं, इनका इस्तेमाल बेसिकली डिपेंड करेगा कि हमारे इनके सप्लायर्स के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। साइबर स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि अपर स्पेस की आपने बात कर दी, प्रायोरिटीज की बात कर दी, साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर के हवाले से पाकिस्तान कितना तैयार विज़ावी इट्स एनिमी इंडिया? अच्छा, पहले तो मैं कहूँगा कि आप जब तक जो वो इंडिया को टारगेट रखते हुए कंपैरिजन करते रहेंगे, आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। किसी से मुकाबला तो करने का नहीं, मेरी बेंचमार्क नो सर, मेरा टारगेट, मेरा ओपिनियन जो काफी अपने, मेरा ओपिनियन काफी डिफरेंट है। अच्छा, क्या काफी डिफरेंट है? काफी डिफरेंट है। मैं काफी अरसे से जो वो कहता आ रहा हूँ कि भाई, जिन चीज़ों के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, अगर किसी दिन वो आपके दोस्त वट एवर आपके सामने आ गए, उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी, तो आप क्या करेंगे? और हमेशा डिफेंस की तरफ से यही रिप्लाई आया, नहीं नहीं वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब अच्छा, मुझे बताएं कि लास्ट वीक जो है वो क्या हुआ? अभी जो ट्रंप ने तकरीर की है वो क्या है? आप स्टैंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और चलें साइबर स्पेस की तरफ तो हम बाद में आएंगे, मतलब इन ऑल एरियाज अमेरिका खुल्लम खुल्ला साफ साफ इंडिया को जो है सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजिकली। आप टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर देखें कि वो इंडिया के साथ कितना कोऑपरेट करता है, कितना सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान के साथ कितना करता है, इसका कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, फिर आपको पता चलेगा कि ये हमारे कितने दोस्त हैं और हमारे जो है वो ओपोनेंट्स के कितने दोस्त हैं। चलें अब थोड़ा सा ये भी बता दें आम आदमी को बताने के लिए कि हम साइबर वॉरफेयर जो है, ये जो जिसको हम जदीद जंग कहते हैं, जदीद दौर की जंग, साइबर वॉरफेयर, इंटरनेट हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इसमें पाकिस्तान कितना तैयार है इस जदीद जंग के लिए? देखें, रियलाइजेशन तो है, मुख्तलिफ इदारों के लोगों से जब मेरी बातचीत होती रहती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसकी रियलाइजेशन आ गई हुई है, आगाही है, और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम भी शुरू हुए हैं, लेकिन वो उनको मैं कैटेगराइज करता हूँ कि वो भी इब्तदाई नियत किए हैं। हमें इस वक्त थोड़ा सा आप कह लें कि एडवांटेज ये हो जाएगा कि जिस ओपोनेंट को आप टारगेट कर रहे हैं वो खुद भी साइबर सिक्योरिटी में अभी
इतना स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की जो डेवलपमेंट उन्होंने नहीं की। देखें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल में उनका है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। आईटी इंडस्ट्री बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, लेकिन अभी ये मेरी परसेप्शन है, ज़ाहिर के फैक्ट्स जो है वो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स जो है वो अलग होंगे, लेकिन जो अटैक सोफिस्टिकेशन चाहिए इस तरह के मॉडर्न वारफेयर्स के अंदर जो है वो लॉन्च करने के लिए और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उन्हें सबोटाज करने के लिए या उन्हें स्टॉप करने के लिए, वो अभी कैपेसिटी जो है वो